नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ मेष राशि का सन 2020 का संपूर्ण वर्ष का राशिफल को लेकर के। क्या विशेष रहने वाला है आपका यह आंग्ल वर्ष, नव वर्ष 2020 जनवरी से लेकर के दिसंबर पर्यंत मेष राशि के जातकों का हम विश्लेषण करेंगे। इन 12 महीनों के जो कि आपके राशि स्वामी पर आधारित रहता है, आपके ग्रह गोचरीय व्यवस्था पर आधारित रहता है और साथ ही आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र कुंडली अथवा लग्न कुंडली दोनों ही माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं मेष राशि के जातकों का किस प्रकार से रहने वाला है यह 2020 यह वर्ष। लेकिन उससे पूर्व आप विशेष ध्यान दें, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से इसको चंद्र कुंडली के माध्यम से देखते हैं तो यह आपको अपने जीवन के ऊपर ज्यादा सटीकता से आप अनुभव कर पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं मेष राशि के जातकों का संपूर्ण वर्ष का शुभाशुभ फल। सर्वप्रथम एक दृष्टि डालेंगे मेष राशि के जातकों के संपूर्ण वर्ष के ग्रह गोचरी व्यवस्था पर, किस प्रकार से आपका राशि स्वामी कब और कहां परिवर्तन करेगा और किस प्रकार का फल आपके सामने आ सकता है। तो वर्षारंभ अर्थात जनवरी के प्रारंभ से ही और 29 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए धनुराशिस्थ भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, उसके बाद वह वक्र होकर के 30 जून तक वक्री रहेंगे। पुनः 30 जून से 19 नवंबर तक गुरु की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी और इस वर्ष आपके जीवन में कई नए मांगलिक कार्य होंगे। कई मांगलिक कार्यों पर आप अत्यधिक व्यय भी करेंगे, साथ ही धर्म कर्म में आपकी रुचि रहने वाली है। विद्या तथा अध्यात्म के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं वर्षारंभ से 7 फरवरी तक राशि स्वामी मंगल अष्टम स्थान में रहेगा जो कि अपनी स्वयं की राशि का होगा, लेकिन अष्टम स्थान में मंगल थोड़ा बहुत स्थितियाँ आपको डमाडोल कर सकती हैं, अर्थात आपको स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, घरेलू उलझने तथा धन का अपव्यय व लाभ में कमी रह सकती है। वहीं तारीख 10 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल वक्री रहने से स्वभाव में तेजी और उत्तेजना आपको देखने को मिलेगी। तो यह आपका वर्षारंभ का मुख्य जो आपके लिए ग्रहों की स्थिति बन रही है यह है। अब इसमें सर्वप्रथम माह यदि बात करें जनवरी की, तो जनवरी में आपका मंगल जो कि आपके राशि स्वामी हैं वह अष्टम स्थान में रहेगा। वहीं सूर्य, बुध, गुरु, शनि और केतु आपके लिए भाग्य स्थान धनुराशिस्थ रहने वाले हैं। यहाँ पर शनि 24 जनवरी तक रहेगा और उसके पश्चात शनि राशि परिवर्तन करेगा और राशि परिवर्तन करके यह मकर राशि अपनी स्वयं की राशि कर्म स्थान में आएगा। तो मंगल का अष्टम स्थान में होना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो भी यहां भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, ब्लड संबंधित दिक्कतें आपको हो सकते हैं, फोड़े फुंसी एलर्जी इत्यादि आपको परेशान कर सकते हैं और यहां पर आपका व्यय भी अधिक हो सकता है क्योंकि केतु और गुरु, वहीं शनि और केतु श्रापित योग है। तो प्रारंभिक जो माह है आपके लिए वह बहुत हद तक आपके लिए शुभ नहीं रहेगा और यहाँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं फरवरी की बात की जाए तो 7 फरवरी के बाद जब आपका मंगल
राशि परिवर्तन करेगा आपका राशि स्वामी, और तब तक शनि भी यहाँ से अपने राशि परिवर्तन कर चुका होगा और वह कर्म स्थान में चला जाएगा। वहीं मंगल भाग्य स्थान में धनु राशि से आ जाएगा और गुरु मंगल की युति बनेगी, वहीं केतु और मंगल की युति भी बनेगी, साथ ही सूर्य भी शनि के साथ रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन भाग्य से आपको भाग्य में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य से किसी भी प्रकार के कार्यों को आप रुकावटें पैदा नहीं होने वाले हैं आपके जीवन में, अर्थात फरवरी का माह कई हद तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जो जातक भूमि लेना चाहते हैं, भूमि से संबंधित कार्य है, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, मकान आप खरीदना चाहते हैं, तो मंगल भाग्य स्थान में रहेगा जो कि आपका राशि स्वामी है। तो यहाँ आपको बिना किसी देरी के फरवरी से लेकर के लगभग 22 मार्च तक मंगल भाग्य स्थान में रहने वाला है। और यहाँ पर जब तक भाग्य स्थान में रहेगा तब तक आपको भूमि से संबंधित लाभ आपको मिलते रहेंगे और आय में आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। वहीं मार्च की बात करें तो मार्च में 22 तक मंगल भाग्य स्थान में रहेंगे और तत्पश्चात वह अपनी उच्च राशि मकर राशि में कर्म स्थान में चले जाएंगे। और यहाँ पर कर्म स्थान में मंगल जाएंगे तो जो जातक बहुत दिनों से अर्थात अत्यधिक विलंब से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कंफ्यूज है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशान है, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत ही शुभ योग रहेगा। वहीं शनि भी वहाँ पर रहेगा, लेकिन शनि स्वराशिस्त रहेगा। वैसे तो मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही एक की उच्च राशि रहेगी और एक अपने स्वयं के राशि में रहेगा, तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलने वाले हैं। जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं हो सकता है, अर्थात मार्च में आपको विशेष रूप से मेहनत करनी होगी और उसके पश्चात आपको इसका अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। विशेषतर जो जातक मेष राशि के जातक सेना इत्यादि के क्षेत्र में अपने सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, अर्थात आपको गोल्डन टाइम कह सकते हैं आप। यहाँ पर अप्रैल में आपके कुछ रुके हुए और कोई महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, उत्साह उद्यम में वृद्धि होगी और धर्म कर्म में आपकी ज्यादा रुचि होगी, लेकिन आपको अत्यधिक क्रोध आ सकता है तो अपने क्रोध पर आपको काबू रखना होगा। और यहाँ पर तारीख 13 के बाद सूर्य जब उच्च होंगे और उच्च होकर के आपके लग्न स्थान में आएंगे तो आप अपने पराक्रम से बहुत बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे, तो अप्रैल का माह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं मई की बात करें तो 4 मई को मंगल पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वह कुंभ राशि में जाएंगे जो कि शत्रुगत राशि है, और देखा जाए तो यहाँ आपको आय के स्थान पर यहाँ पर मंगल जाने वाले हैं, तो आय से लेकर के थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानी आपको उठाने पड़ सकते हैं। वहीं राहु तृतीयस्थ होने से परिवार में थोड़ा मतभेद और कलह का योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो मई में आपको सावधान रहना चाहिए। जून में किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी बड़े व्यक्ति से जो बड़े पद पर बैठे हों उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको शत्रु वर्ग से सावधान रहना होगा, शत्रु वर्ग से आपको परेशानी हो सकती है। और तारीख 18 जून के बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं तथा थोड़ी बहुत घर में उलझन का आप सामना करने वाले हैं और पारिवारिक स्थिति में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल आपको देखने को मिलेगा, तो जून में आपको सतर्क रहना चाहिए। जुलाई की बात करें तो पारिवारिक एवं आर्थिक हालत आपके अनिश्चित होंगे, यात्राएं आपकी बहुत अधिक हो सकती हैं और स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है, साथ ही आपको पारिवारिक चिंता रहेगी, धोखा मिलने की भी आपको यहाँ पर संभावना रह सकती है, तो आपको जुलाई में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगस्त में मंगल द्वादश स्थान पर होंगे जहाँ पर आकस्मिक खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे, आप अत्यधिक धन की लालसा में अपना धन गंवा बैठेंगे,
तो ऐसी स्थिति ना आने दें, क्योंकि मंगल जब द्वादश स्थान में होंगे तब आप विशेष रूप से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे, किसी भी प्रकार का ऋण देने से आपको बचना चाहिए, वहां आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो अत्यधिक लोभ लालच में न पड़ करके अपने धन पर आपको ध्यान रखना चाहिए और अपना विवेक के अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। सितंबर में मंगल का संचार तथा गुरु की दृष्टि होने से आपके लिए धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, साथ ही सांसारिक कार्यों में आपकी प्रगति होने वाली है। तो अर्थात किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके यहाँ पर तरक्की होगी, तो आपको पुनः तैयार रहना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपना व्यवसायिक क्षेत्र को लेकर के। अक्टूबर में तारीख 4 अक्टूबर से वक्री मंगल पुनः द्वादश में आएंगे और वह आने से पुनः आपको थोड़ा बहुत पारिवारिक दिक्कतें हो सकती हैं और किसी घरेलू उलझन के कारण आपका मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण संतान संबंधी किसी बिगड़े कार्य को आप सुधार पाएंगे और कार्य सिद्धि के भी आपके योग बनेंगे, किंतु धन का अपव्यय आपका हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए अक्टूबर के माह में। वहीं नवंबर की बात करें तो यहां पर अक्टूबर से लगभग 17-18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य आपके लिए नीचस्थ हो जाएंगे, तुला राशिस्थ हो जाएंगे सप्तम स्थान में। तो यहां आपको जीवन साथी अथवा आपके पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। साथ ही केतु अष्टम स्थान में आएंगे तो कुछ आर्थिक समस्याएं एवं शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं। उत्तरार्ध भाग में आपको अत्यधिक क्रोध से, अत्यधिक चंचलता से बचना चाहिए। दिसंबर में तारीख 23 तक मंगल पर शनि की दृष्टि रहने से घरेलू परिस्थितियां के कारण तनाव रहेगा, लेकिन 23 के बाद मंगल जैसे ही मेष राशि अर्थात स्वयं की राशि में आएंगे तो यहां आपको धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में होंगे। आपको किसी भी प्रकार से अत्यधिक क्रोध होने से इस पूरे वर्ष बचना होगा। साथ ही आपको कई बार संतान से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं और जब मंगल व्यय स्थान में रहेगा तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार के ऋण देने से, किसी भी प्रकार से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से और अत्यधिक लोभ लालसा से आपको बचकर चलना चाहिए। तो यह आपका संपूर्ण वर्ष का वार्षिक राशिफल था। वैसे मैं मासिक राशिफल देता रहूंगा, लेकिन यह वार्षिक राशिफल विशेष रिक्वेस्ट पर मैंने भेजा है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको जानकारी अच्छी लगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। विशेष उपाय आपको मेष राशि के जातकों को निरंतर भगवान हनुमान जी का पूजन आपको करना चाहिए। नित्य आप यदि सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी को मंगलवार व शनिवार को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके राशि स्वामी जो मंगल है वह प्रसन्न होंगे और यदि किसी भी राशि का स्वामी प्रसन्न होता है तो उस राशि का बहुत हद तक बचाव हो जाता है और अत्यधिक शुभता प्राप्त होती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। नव वर्ष 2020 आपका सर्वश्रेष्ठ वर्ष हो, इस वर्ष आप अत्यधिक तरक्की करें, यही हम मंगल कामना करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही आपको इस आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपकी अनंत मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।